नमस्ते जय जगन्नाथ और सब लोग आप कैसे हैं और मैं तो बहुत अच्छी हूँ और भगवान की कृपा से आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे तो चलिए और एक रेसिपी लेके आ गई हूँ उस रेसिपी का नाम है खास्ता गजा तो ये उड़ीसा फेमस मिठाई में से एक मिठाई है खास्ता गजा तो जो खास्ता गजा कैसे बना रही हूँ वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ और उसमें क्या क्या डालना है वो दिखा देती हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं खास्ता गजा तो खास्ता गजा बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी मैदा लिया हूँ तो एक कटोरी मैदे में मैं दो चम्मच घी डालने वाली हूँ गाय घी है ये घर का घी है तो मैंने दो चम्मच घी भर के डाल दिया है तो आप लोग चाहे तो पिघला के भी डाल सकते हैं और दो चम्मच खाने का तेल है तो दो चम्मच खाने का तेल डाली हूँ और ये खाने का सोडा है खाने का सोडा आधा चम्मच डाली हूँ और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और जो सौप रहता है वो मैंने एक चम्मच भर के डाली हूँ सौप तो अच्छे से मैं इसको मिला रही हूँ और मिलाते समय अच्छे से मिल जाए तो ऐसे मुट्ठी कर लेना तो मुट्ठी करने से पता चल जाएगा कि अच्छे से घी और ऑयल अच्छे से मिक्स मिक्स हो गया है सब चीज़ और अच्छे से मिक्स होने के बाद फिर मैं इसमें दूध डाल के मैं इसका डो रेडी कर दूँगी तो मेरे पास दूध है इसलिए मैं दूध डाल के डो बना रही हूँ आप लोग पानी डाल के भी डो बना सकते हैं तो ये टाइट डो बनना है टाइट डो बनाना है क्योंकि आटे का जैसे रहता है डो आटे का डो नरम रहता है उससे थोड़ा सा टाइट बनाना है और इसको अच्छे से मसलना नहीं है सिर्फ डो ही रेडी करके रखना है तो देखिए मैं कैसे डो बना रही हूँ तो मेरा डो बन ये एक कटोरी मैदे में मेरे आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लगा है और देखिए मेरा डो बन गया है और डो को अच्छे से मसलना नहीं है क्योंकि मसलने से जो खास्ता गजा है वो अच्छे से नहीं बनेगा देखिए इस तरह ही डो बनाना है थोड़ा सा टाइट डो बनाना है और अभी इसको मैं अच्छे से ढाक दूंगी तो मैं एक बर्तन इसके ऊपर ढाक रही हूँ आप चाहे तो कपड़े भी ढाक धा, सकते हैं तो मेरा डो रेडी हो गया है अभी मैं इसको ढाक लेती हूँ तो देखिए मैंने इसको ढाक लिया है और 10 से 15 मिनट तक मैं इसको ढाक लूँगी और खास्ता गजा बनाने के लिए मैं चाशनी रेडी कर रही हूँ तो चाशनी के लिए मैंने गैस चालू कर दिया है एक पैन बिठा दिया हूँ और उसमें एक कटोरी शक्कर डाली हूँ और एक कटोरी पानी डाली हूँ तो एक कटोरी शक्कर में एक कटोरी पानी चाहिए और इसको अच्छे से मैं पिघला दूँगी एक तार आने तक मैं इसको अच्छे से पिलाऊँगी और शक्कर को ऐसे चलाते रहना है क्योंकि नीचे ना लगे तो मैं इसको चलाते रहूँगी जब तक एक एक तार ना आने तक एक तार आएगा तो मैं इसको गैस बंद कर दूँगी तो देखिए मेरा शक्कर उबल गया है शक्कर और पा, पानी मेरा शक्कर पानी अच्छे से रेडी हो गया है चाचनी बन गया है तो देखिए मेरा एक तार भी हो गया है देखिए देखिए मेरा एक तार बन गया है तो अभी मैं चाचनी को बंद कर दूंगी और मेरा चाचनी रेडी हो गया है तो गैस मैंने बंद कर दिया है अभी उसको दूसरे साइड में रख दूंगी और मैं अभी इसको बेल देती हूँ जो मैंने डो बना के मैदे का डो बनाया है तो मैं अच्छे से मैदा थोड़ा सा छिड़क देती हूँ डो ना चिपके तो देखिए मेरा डो अभी रेडी हो गया है पंद्रह मिनट हो गया है तो पंद्रह मिनट में मैं इसको थोड़ा सा हाथ से ही थोड़ा सा इसे मिक्स कर रही हूँ ज़्यादा मिक्स नहीं करना है थोड़ा सा ही मिक्स करना है और देखिए मेरा डो देरी हो गया अभी इसको मैं बेल देती हूँ तो अभी डो को मैं अच्छे से बेल देती हूँ तो जैसे रोटी बेलते हैं पूरा वही तरह बेलना है लेकिन रोटी से थोड़ा मोटा बनाना है तो देखिए मैं अच्छे से बेल देती हूँ तो मैं रोटी की तरह बेल दिया हूँ और मैं दिखा देती हूँ कितना मोटा बनाना है क्योंकि रोटी पूरा पतला रहता है लेकिन रोटी से थोड़ा मोटा बनाना है तो देखिए मैं दिखा देती हूँ तो देखिए इतना ही मोटा बनाना है अभी इसको मैं चार हिस्सों में काट देती हूँ समान हिस्सों में तो देखिए मैंने समान हिस्सों में चारों काट दिया है चार भाग बना दिया है अभी इसको एक के ऊपर एक डाल तो एक के ऊपर एक मैंने अभी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा हाथ में स्पेस कर लूँगी थोड़ा सा दवा दूँगी तो दबाने के बाद क्या है कि वो दूसरे में तो मैं अच्छे से दवा दिया है और इसको अभी मैं बेल दूँगी तो चलिए मैंने दवा दिया अच्छे से और इसको बेल के फिर मैं इसको दो हिस्सों में काट दूंगी फिर से तो देखिए मैंने अच्छे से बेल दिया है देखिए कितना अच्छे से हो गया है अभी इसको मैं दो हिस्सों में काट देती हूँ फिर इसके ऊपर डाल दूंगी जैसे मैं पहले करी थी वैसे ही करके फिर इसको मैं बेल दूंगी तो हाथों में ही मैं अच्छे से दवा दे रही हूँ दोनों को मिक्स कर दे रही हूँ ज़्यादा मिक्स नहीं करना है जैसे दिखा देखना न, मतलब दिखना चाहिए कि एक के ऊपर एक है तो देखिए मेरा कितना अच्छे से बन गया है अभी मैं इसको पीसेस में काट देती हूँ छोटे छोटे पीसेस में तो देखिए मैं जैसे पीसेस में काट रही हूँ आप भी वैसे ही काटी है अच्छा दिखेगा तो हमारे ओडिशा में ऐसे ही खास्ता गजा बनता है बहुत ही टेस्टी लगता है अंदर से जूसी रहता है और बाहर से किस्पी रहता है तो बहुत बहुत टेस्ट लगता है तो देखिए मैं अभी इसको सारे को काट देती हूँ समान समान हिस्सों में आप भी ऐसे ही काट दीजिए तो देखिए मैंने सारे को समान हिस्सों में काट दिया है अभी इसको मैं एक प्लेट में निकाल के रख देती हूँ तो देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया है और देखिए मैंने मेरे सारे प्लेट में निकाल के रख दिया है अभी मैं कढ़ाई बिठा दिया है और तलने के लिए मैं ऑयल गरम कर रही हूँ तो ऑयल सिर्फ हल्का हल्का ही गरम करना है जैसे समोसा और कचौड़ी और गुलाब जामुन का तेल कैसे गर्म रहता है उसी तरह गर्म रहना चाहिए नहीं तो ये अंदर से अगर हाई हीट में मैं तेल को गर्म करके डालूंगी तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से किस्पी हो जाएगा तो ऐसे नहीं करना है हल्का हल्का ही तेल गर्म होना चाहिए देखिए मेरा तेल कैसे गर्म है और मैंने आद... तो देखिए जितने तेल में मेरा पकड़ सकता है उतना ही मैंने डाला है ज़्यादा नहीं डाला है और आधा रख दी हूँ बाद में डालूंगी तेल में तो देखिए मेरा अभी तेल में कितना अच्छे से एक साइड हो गया है ब्राउन ब्राउन तो ऐसे ही मैं बड़े बड़े दिख जाते हैं छोटे छोटे डालते हैं लेकिन चाछनी में डालने से किसे फूल के बड़े बड़े दिखते हैं उसी तरह ये भी बड़े बड़े दिखते हैं देखिए कितना बड़े बड़े दिख रहे हैं और मैंने इसको उलट पुलट करके इसको देखिए मैंने क्रिस्पी बना दिया है अभी मैं इसको प्लेट में निकाल देती हूँ मेरा बन गया है रेडी हो गया है तो आप ऐसे ही गैस की फ्लेम को सीम लो करके और इसको धीरे धीरे धीमी धीमी आंच में पकाइए तो अंदर से कच्चा नहीं रहेगा तो देखिए मेरा ये एक एक जो मैंने डाला था वो मेरा हो गया है और जो बचा है मैं इसको भी तेल में डाल देती हूँ तो देखिए मैंने एक एक करके तेल में डाल दिया है जो बचा था और अभी इसको मैं तल तलने देती हूँ और मैंने जो चाचनी बनाया था तो मेरा चाचनी गरम है तो इसलिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ और देख के डालिए क्योंकि तो चाचनी गरम रहता है और ये खासता गजा भी गरम रहता है तो गरम गरम ही डालिए तो गरम गरम डालने से चाचनी अच्छे से सोख लेता है तो देखिए मैंने इसको अच्छे से उलट पुलट के रेडी कर दिया है तो चाशनी में पाँच से दस मिनट तक इसको डूब के रखिए तो अंदर से अच्छे से चाचनी सोख लेगा तो देखिए मैंने पाँच से दस मिनट हो गया है मैं इसको अच्छे से उलट पुलट कर दिया है ज़्यादा देर तक मत रखिए तो देखिए बहुत ही गर्म है तो आप धीरे धीरे ही निकालिए तो मैंने सारे को निकाल दिया है और जो मैंने बिठाया था जो मैंने तेल में डाला था तो वो भी मेरा हो गया है दोनों साइड पक गया है और क्रिस्पी हो गया है ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है जितना चाहिए उतना ही क्रिस्पी करिए समोसा जैसे क्रिस्पी बनता है उसी तरह तलिए तो मैं इसका भी मेरा हो गया है तो मैं उधर चाचनी रखी हूँ तो चाचनी में मैं डाल दी हूँ तो देखिए चाचनी ठंडा होने के बाद देखिए कितना मोटा बन जाता है तो इसीलिए चाचनी गरम रहना चाहिए देखिए धीरे धीरे मेरा चाचनी ठंडा हो रहा है तो मेरा ये भी पाँच से दस मिनट हो गया है तो मैंने सारे को प्लेट में निकाल दिया है अभी इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कैसे अंदर से कैसे क्रिस्पी बना है और जूसी बना है तो देखिए अंदर से कितना अच्छा जूसी बना है देखिए देखिए कितना जूसी बना है तो अंदर से अच्छे से भी पक गया है कच्चा नहीं है और इसको एक बार बना के देखिए बहुत ही टेस्ट लगता है तो चलिए मैं यहीं पर रखती हूँ थैंक यू